नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम से मैं अमित मुद्गल। हम हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बांके बिहारी मुरली मनोहर सांवरे सलोने के जन्म का जश्न शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में थे, उन्होंने यहां विधिवत रूप से जन्मोत्सव का शुभारंभ किया। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कितनी भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहां लगातार उमड़ रही है और विधिवत रूप से जैसे ही जन्मोत्सव के शुभारंभ का आगाज हुआ है यहाँ भीड़ और बढ़ गई है। मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। तैयारियाँ इस उत्सव की यूं तो कई माह से चल रही थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से प्रशासन, स्थानीय मंदिर के पदाधिकारियों ने पूरी मेहनत की है और इस मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ अलौकिक नज़ारा दिखाई दे रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं जो अपने आराध्य देव को देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए साल भर से इंतजार कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि उनकी जन्माष्टमी, उनके जन्मदिवस के मौके पर यहाँ दर्शन करने आएंगे। हम बात करते हैं यहाँ ये कुछ लोगों से, श्रद्धालुओं से। कहाँ से आए हैं भैया जी? मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ जी। हाँ, कब से आए हुए हैं यहाँ? और ये तो यहाँ तो मैं अभी आज ही पहुँचा हूँ मथुरा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो अभी दर्शन करेंगे और कल उत्सव में भाग लेंगे। हाँ हाँ, बस अभी तक तो यही है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा, मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा एडवोकेट बनारस से, मैं वहाँ क्रिमिनल का अधिवक्ता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये इसके पीछे भी विवादित प्रांगण है वो भी जो है मुक्त हो और बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। हम लोग इस पावन धरती पे आ जाए हुए हैं भगवान के जन्मस्थली पे। अति सुंदर मनोरम दृश्य है और इसी पे हम कहेंगे कि अच्युतम के समम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरंग माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये हमारे दिनेश दीक्षित जी हमारे मित्र हैं। दिनेश दीक्षित जी, क्या कहना जी? एकदम हम लोग काशी से आए हुए थे और यहाँ बैठे हुए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था क्योंकि काशी से हैं तो बाबा भी यहाँ कभी बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग उस आनंद की कल्पना जिसको हम बता नहीं सकते वो यहाँ आके ही महसूस हो सकता है। यहाँ जो आएगा वही महसूस करेगा और उस आनंद की कल्पना में हम इतने भाव विभोर हैं और इतने जन्माष्टमी के इस शुभ पर्व पर और इतना सजा हुआ, इतना भव्य है ये प्रांगण, ये महोत्सव, जैसे लग रहा है कि ये पृथ्वी पर है ही नहीं है, जैसे लग रहा है कि स्वर्ग में हम लोग हैं और आनंद ले रहे हैं। देवाधिदेव महादेव के भक्त काशी से चलकर यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ जो अनुभूति उन्हें हुई है वो अद्भुत है, निराली है। हम बात करते हैं, यहाँ आए हैं भैया, भैया कहाँ से आए हैं और कब पहुँचे थे? दिल्ली से आए हैं, आज दोपहर को आए थे 12 बजे के आसपास। 12 बजे से यहीं उत्सव में आप भाग ले रहे हैं जी? चलिए, तो कल यहीं रुकने का? बिल्कुल सर, हम यहीं रुकेंगे और दर्शन करेंगे, बाकी बिहार जी के रात को जाएंगे। गोपाल कृष्ण की 5251वीं यह समारोह मनेगा, उनकी जयंती है, उनका जन्मदिवस है, जन्माष्टमी के इस मौके पर दूर दराज से श्रद्धालु यहां आते हैं और आप देख सकते हैं रेड कारपेट यहां बिछाया गया है। यह केवल इसलिए नहीं बिछाया गया है कि यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भाग लेंगे इस समारोह में, बल्कि यहाँ श्रद्धालुओं के लिए भी आज विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने आकर यहाँ जैसे डेरा डाल दिया है, लोग बैठे हुए हैं, इंतजार है जो खत्म होगा इस उम्मीद से, अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। अद्भुत नज़ारा बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से रहेगा। कल बड़े जश्न की तैयारी है, बड़ा उत्सव होगा और पूरे दिन इस मथुरा की गली गली में जो ब्रज रस, जो कान्हा भाव, जो भक्ति रस बह रहा है, वो जो शुरू हुआ था एक सप्ताह पहले, वो अपने चरम पर, अपने उरोज पर कल पहुंच जाएगा। इसके लिए तैयारियां अभी से चल रही हैं, लोग भाग ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं भैया जी? हम आगरा से आए हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो रात को रुकेंगे या कल भी यहाँ जश्न? कल भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, आज भी रहेंगे, मतलब पूरे कृष्ण लला का जन्मदिन मना के जाएंगे आज। पूरे कृष्ण जन्मदिन मना कर जाएंगे, नंदोत्सव भी देखेंगे, यहाँ भी जन्म देखेंगे, उधर नंद के यहाँ भी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो नंद गाँव में भी महोत्सव में भाग लेंगे। जन्मभूमि से जन्मोत्सव की इन तैयारियों को हम लाइव आपको दिखाते रहेंगे। आप
आप जुड़े रहिए amarujala.com से, मैं कैमरामैन गिरीश कुमार के साथ अमित मुद्गल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।